डेमन किंग की सेना में एक टॉप रैंक ऑफिसर। क्या ऐसा लगता है इन्होंने एक भारी भरकम सा शब्द इस्तेमाल किया हो, जैसे द वॉरिंग ट्रायड, द एलीट फोर्स या द सेवन हीरोज। क्या वो इनमें से एक है सच में इतनी जल्दी एक आरपीजी में? चिंता मत करो यंग मैन, मुझे कमजोर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या? अच्छा, ये डेमन है बस इसलिए ये जरूरी नहीं कि इंसान अपने आप इसके दुश्मन बन जाए। और सच तो यह है कि इसने दो बार मेरी जान बचाई। छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी बहन नहीं होती? हाँ होती तो है, और वो ज्यादा दूर भी नहीं यहाँ से। ओह, वैसे यंग मैन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जरूर पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? क्या तुम किसी इक्सबा नाम के एडवेंचरर को जानते हो? ये इंसान गिल्ड में एक कॉमेट की तरह आया था और सुना है कि एडवेंचरर के रूप में तारीफ भी हासिल की है। तीन और भाइयों और एक वाइवर्न को एक ही पंच में मारा है, ना कमाल की बात। जो भी है इस जनरेशन का हीरो ही होगा, मैं तो उससे मौत तक लड़ना पसंद करूंगी, वही मुझे एंटरटेन कर पाएगा। लगता है ये दूसरे दुश्मनों से बिल्कुल अलग लेवल के खतरनाक दुश्मन होगी। तो भैया पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं यहाँ से। ध्यान से, ध्यान से। सुनो, तुमने कुछ गिरा दिया। एक सबा आसाही। अच्छा तो तुम्हारे ही बारे में सब बातें कर रहे हैं। शायद मुझे अपनी पहली स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहिए जब मैंने तुम्हें कमजोर कहा। किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। नहीं, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ माँ कसम। अब मैं क्या करूँ? आसाही? ये तो भालू से भी खतरनाक है। अरे हीरो, तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रही हो। अरे इतने भी डरपोक मत बनो, चलो अपनी बड़ी बहन से लड़ो मरते दम तक। ये कोई मजाक नहीं है, ये मुझे एक बारी में खत्म कर देगी और भागना धोखा होगा। पकड़ ही लिया। ये किस तरह की जबरदस्त शक्ति है? ये एहसास, ये खुशबू, अब तो ये पक्का। मायानी, तुम ठीक तो हो ना आसाही? हाँ किसी तरह। क्या मतलब इस बार पक्का? क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी है? नहीं कुछ नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। अभी क्या तुमने मुझ पर हमला किया था? तुमने मेरे और इक्सबा के बीच की लड़ाई में दखल कैसे दिया, इनसेंसिटिव औरत? मुझे महसूस हुआ कि आसाही यहाँ पर मुसीबत में है, मेरा शक सही निकला। आसाही की इज्जत खतरे में है। ऐसे गंदे पहनावे में आसाही पर हमला करना, ये कुछ और कैसे हो सकता था? मेरा मतलब कि मैं जानती हूँ आसाही प्यारा है, मैं उस पर झपटने की चाहत को समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसी तरह की इच्छा होती है। तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं, मैं तो बस इस हीरो के साथ एक राउंड लड़ना चाहती हूँ। एक राउंड लड़ना? तो इसका मतलब तुम इस पर झपट्टा मारना चाहती हो। एक राउंड से उनका वो मतलब नहीं था। तुम मुझे ठरकी बुला रही हो जबकि तुमने खुद ये कैसे कपड़े पहने हैं? आसाही को ये लुक बहुत पसंद है। ओ अच्छा, रुको मायानी। हाँ आसाही देखने में भले प्यारा हो पर असल में वो, उस बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी हो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने दखल अंदाजी की तो मैं रहम नहीं करूँगी। वो मेरी लाइन है। एक मिनट रुको, वो एक बार में खत्म नहीं हुआ? दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ओ अच्छा, अब समझी मैं। इक्सबा आसाही तुम्हारे कारनामों की वजह से मशहूर है। मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। काफी वक्त हो गया है कि कोई लड़ाई पहले ही वार में खत्म नहीं हुई। अच्छा तो तुम खुश हो, चलो फिर हो जाए दो दो हाथ। कमाल है, दोनों ही नॉर्मल लेवल से बहुत आगे हैं। लेकिन ये मेरे सामने कैसे टिक सकती है? क्या मैं हारने वाली हूँ? नहीं पता था ऐसे इंसान भी होते हैं। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी।
अगर वो इससे टकराती है तो मायनी भी नहीं। योर फुल फ्लेयर मेक से साइक्लोन। क्या मैं सच में तुमसे हार गई हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? माया, इक्सबा माया। इक्सबा? अच्छा, तो तुम ही हो इस हीरो की बड़ी बहन। तुम्हें मुझे खत्म कर देना चाहिए। रुको! असाही? ओ अच्छा, तो तुम चाहते हो कि आखिरी बार तुम करो ताकि तुम्हें EXP मिल जाए, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बुरा है? पता है, इसने दो बार मुझे मॉन्स्टर्स से बचाया। हाँ, ये डीमन किंग सेना की एक टॉप रैंक ऑफिसर जरूर है, पर ये बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसे जाने दूं? इसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या तुम ऐसा कह सकती हो मायनी, जब तुम खुद भी रोज यही करती हो और ये ऐसा नहीं कर रही थी? जो मैं करती हूँ वो भाई बहन के बीच का पारिवारिक प्यार है। तुम्हारी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और तुम हर बार हाँफने लगती हो। क्या तुम सच में मुझ पर दया दिखाना चाहते हो हीरो? ये कोई मजाक नहीं। मेरा नाम हीरो नहीं है, मेरा नाम है इक्सबा असाही। एक बड़ी बहन को छोटे भाई की बात कभी कभी माननी चाहिए। क्या सच में? कभी कभी छोटे भाई की बात मान लो बड़ी बहन, आप अपनी सनक को बहुत ज्यादा ही फॉलो करती हो। चलो चलते हैं मायनी। हाँ ठीक है। और जो तुमने पहले कहा था, तुम किसको कौन और क्या समझ बैठे, ये मत कहना कि तुम मेरे और उसके बीच कंफ्यूज हो गए थे। वैसे यही सच है। आज रात को तुम क्या खाना पसंद करोगी? आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या? अगर तुम अपने हाथों से बनाओगे तो मैं कुछ भी खा लूंगी। तो फिर मशरूम का ही कुछ बना दूं? माया और असाही बहुत ही दिलचस्प भाई बहन है ये। लेकिन डीमन किंग्स की 6 जनरल्स में से एक, वो उन सब मॉन्स्टर्स की लीग से हटकर है। सच कहूँ तो वो ताकतवर है। पर तुम उस जैसी अपोनेंट को आसानी से हरा सकती हो। तुम बहुत कमाल की हो मायानी। तुम्हें ऐसे लड़ता देखकर मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी MP खत्म कैसे नहीं हुई। हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मेरे सारे MP खत्म हो गए, मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो ना। झूठी, अभी एक सेकंड पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो औरत असाही पर टूटने के लिए क्यों तड़प रही थी। मुझे बचा लो, किल मारिया। खाना शुरू करते हैं। हाँ। वाह, ये मशरूम तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। वो तो होंगे ही ना, आखिर तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उठाया था। सबसे पहली बात तो यह है कि इस खोज को थोड़ा आसान होना चाहिए था। हाँ, एक बात और, बिक्सिस फायर, बिक्सिस साइक्लोन, मायानी जिस तरीके के नाम तुम रखती हो वो काफी सिंपल होते हैं। लेकिन वो सच में शक्तिशाली है। लेकिन किलमारिया के वार के नाम कूल थे और शायद इसीलिए उनके बीच का अंतर साफ था। मुझे पसंद नहीं है कि सींग वाली लड़की से मुझे कंपेयर किया जाए। मुझे कूल नाम चाहिए, सबसे कूल नाम। बिक्सिस हरिकेन कैसा नाम रहेगा? क्यों ना हम बिक्सिस को ड्रॉप करें और कुछ अलग सोचें? मायानी, तुम जाकर नहा क्यों नहीं लेती? बर्तन जाकर मैं धो देता हूँ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं इतनी गंदी हालत में तुम्हारे साथ तो नहीं सो पाऊंगी असाही। तुम्हें मेरे बिस्तर पर आने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं तुमसे पहले नहाने चली जाती हूँ, छुप कर देखना मत असाही। जैसे कि मैं देखने वाला था। मैंने कहा था ना कि नहीं। हम हमेशा साथ में नहाते थे ना। क्यों पुरानी बातों को याद कर रही हो? जाओ यहाँ से और कोई कपड़े जाके पहन लो। अगली बार मुझे मेरी बड़ी बहन मायानी ही चाहिए।